delivering a message on toxic masculinity. ये फिल्म जो है वो मर्द की सिचुएशन जो हमारी सोसाइटी में उस पे बेस्ड है. Their film makes an attempt to break societal norms. When I was young, I was more exposed to theater than films or film sets. By starting conversations around gender equality. हमको उम्मीद नहीं थी कि आज हम सिनेमा हॉल में अपनी फिल्म को देख पाएंगे. NewsX proudly recognizes Seema Pava, Manukriti Pava and Anoop Thapa for excellence in entertainment. Hello and welcome to NewsX India A-List. I'm Priyanka Sharma and today I'm joined with the star cast of Ye Mard Bichara. So today I'm joined with actor Seema Pava, debutante Manukriti Pava and filmmaker Anoop Thapa. Let me start off with Seema Pava. Ma'am, what is Ye Mard Bichara all about and what was it that drew you to the film? ये फिल्म जो है वो मर्द की सिचुएशन जो हमारी सोसाइटी में उस पर बेस्ड है कि आज की सोसाइटी हो या पहले की सोसाइटी हो, हमने मर्द को किस जगह पे किस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है. और अनकॉन्शियसली, ऐसा नहीं कि ये हमने जानबूझ के ऐसा किया है, पर अनकॉन्शियसली हम सीधा धीरे धीरे उसके ऊपर बर्डन डालते चले गए और बिना ये सोचे कि वो बेचारा भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मारा हुआ है और बचपन से उसके ऊपर जो थोप रहे हैं हम, तो उसी पे ये बेस्ड है कि कैसे हम मर्द का जो एक डेफिनेशन है वो हमारे दिमाग में कितनी गलत है. एक्चुअल में मर्द क्या होना चाहिए? एक्चुअल में मर्द वो होना चाहिए जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए, या मर्द वो होना चाहिए जो दूसरों की हेल्प करे? तो उसी पे ये बेस्ड है फिल्म और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस कहानी को कहा है. डेफिनेटली बहुत हल्के फुल्के तरीके से कहा है इस बात को, ऐसा कोई अंडरलाइन नहीं किया है, बट मैसेज जरूर देती है फिल्म. और मुझे लगता है लोग काफी आइडेंटिफिकेशन ढूंढेंगे इसमें और काफी सारे कैरेक्टर से आइडेंटिफिकेशन ढूंढेंगे. Anoop, how did the idea of this film came about and how was the journey of creating this entire film, getting everybody together and finally the film releasing in the theater, especially after the COVID pandemic? ये सब एक चमत्कार की तरह है, क्योंकि हमको उम्मीद नहीं थी कि आज हम सिनेमा हॉल में अपनी फिल्म को देख पाएंगे. और अभी हमने इसकी शुरुआत लॉकडाउन से पहले हमारी शूटिंग हुई थी 2019 के आखिर में. और इस फिल्म का आइडिया तो आप ये समझिए कि पहले तो मैं खुद एक मर्द हूँ और घर में मैं सबसे बड़ा था, तो शुरू से बचपन से मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारियां थी फैमिली की. और कभी उसको एक्सप्रेस, मतलब तो वो खुद का एक्सपीरियंस प्लस आसपास, और मुझे लगता है कि ये अभी मैम ने जैसे बोला कि लोग इस फिल्म से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब अभी तक जो भी ट्रेलर और जो भी हमारे को थ्रू मीडिया के पता चल रहा है, तो लोग इसको चाह रहे कि यार देखें, यार किसी ने तो बात की मर्द के बारे में. शुरुआत तो ही चलो, जैसे फीमेल के इश्यूज पे बहुत सारी फिल्में बनी और बननी चाहिए और बननी चाहिए और उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे मेंस के भी इशू और आज के करंट सिनेरियो में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे मर्दों के साथ भेदभाव हो रहा है या इस तरह के कानून बने हैं. तो और ये उससे कहीं बढ़कर है सोशल, जो समाज ने एक दायरा बनाया हुआ जिसमें मर्द खुद जिम्मेदार है उसका. मतलब जैसे कहते हैं ना कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, तो यहाँ पर भी मर्द का सबसे बड़ा दुश्मन है. तो एक्चुअल में ये बहुत पॉजिटिव वे में कहानी कही गई है. किसी को हमने इसमें कि ये नहीं कि अगर मर्द बेचारा है तो किसी औरत की वजह से, अपनी पत्नी की वजह से, ऐसा कुछ नहीं. वो फिल्म देखेंगे तो आपको सरप्राइज मिलेगा कि ये तो जितनी मेंस के लिए फिल्म अच्छी इम्पोर्टेंट है, उतनी ही फीमेल्स के लिए भी. मनुकृति, इंटरेस्टिंगली दिस आल्सो हैपेंस टू बी योर डेब्यू फिल्म. वाज एक्टिंग समथिंग ऑलवेज ऑन कार्ड्स एंड हाउ डिड दिस फिल्म कम टू यू? Yes, I think acting was always something that I wanted to do. When I was young, I was more exposed to theater than films or film sets. So theater was always something that I always knew that, okay, I want to be on stage, I want to act. And just tana se, you know, then I grew up and then I decided to do my degree in dramatics. So I did my studies in that. And then I came back to Bombay, did theater for a while. And once I was confident about my craft, once I was like, okay, now I think I can start auditioning, looking for parts, start doing movies, Sui Dhaga happened.
I did a small part in Sweet Dhaga, and then I did Ramprasad Ki Thelvi, in which I worked under Mom's direction. Hmm. And then Anoop ji had actually come to narrate the film to Mom at home. And I happened to be at home at that time. And that's when I got introduced to him. He asked me later on that, you know, will you act in this film? I have the script and I'm looking for the main lead. And I was like, yeah, why not? I'll read the script and get back to you. I read the script. I thought it was a great concept, something that nobody is really thinking about. I think because, you know, there's a lot of talk about women's liberation and women's freedom and all of that. Kafi film mein bhi ban rahi hai is baare mein, kafi log baat kar rahe. But I think nobody is really thinking from the men's perspective ki unpe bhi kahin na kahin social pressures hain, wo bhi kahin na kahin phase hue hain. So that really interests me in this project. And that's how I was like, yeah, let's do it. Seema ma'am, what was your reaction when Manukriti got this film? Since she just mentioned that Anoop sir got this film to your home and she happened to be there. So, आपका क्या रिएक्शन था एंड कैसा लगा काम करके मनुकृति के साथ? मनुकृति के साथ मैं थिएटर में काफी काम कर चुकी हूँ, क्योंकि हमारा एक थिएटर ग्रुप है कोपल थिएटर, जिसमें हम लोग एक दूसरे के डायरेक्शन में काम कर चुके हैं. मनु खुद भी बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं, और मेरा बेटा है वो भी राइटर है डायरेक्टर है. तो हम लोग चारों जो है, चारों ही इस चीज से जुड़े हुए हैं. तो हम लोग ने चारों ने एक मिलकर ग्रुप खोला है जिसमें हम एक दूसरे के साथ थिएटर करते हैं. तो ऐसा कोई मेरे लिए नया नहीं है मनु के साथ काम करना, पर डेफिनेटली उसको ये फिल्म मिलना, ये उसकी अपनी चॉइस थी. वो काफी इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन लेती है. मैं ऐसा नहीं कि मैं एज ए मदर उसको कहती हूँ ये कर लो ये मत करो. तो उन्होंने ये स्क्रिप्ट पसंद किया और करना पसंद किया, और वो हर तरह से कंफर्टेबल थी करने के लिए, तो इसलिए वो फिल्म में आई. और डेफिनेटली बेटी को काम मिलेगा, कोई भी मिले, छोटा हो बड़ा हो, माँ को तो खुशी होती है, तो मुझे भी खुशी है. और अब जो हो रहा है, जिस तरह से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं मनुकृति की मम्मी हूँ. एब्सोल्युटली. मनुकृति, सो थिएटर एंड बॉलीवुड, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग इन अ फिल्म रादर देन थिएटर? एंड डिड यू आल्सो गेट टिप्स फ्रॉम सीमा मैम व्हाइल यू वर एक्टिंग? I think we have a very nice bonding. Yeah. So, hum kafi baate karte hain about our work also. So, I think not in like specifically is particular koi scene ke liye ya particular kisi project ke liye, but I think hum generally we talk a lot about our craft. And I'm good at observation. So, I think I have constantly been observing how she works, how she and my dad, both of them, how they work, how do they prepare for their roles. So I think that's something always there in my head ki you know kis tarah se karna hai, ek kahin na kahin want hai ki un jaisa shayad main kabhi kar paun, utna behtar kaam kabhi kar paun. So I have a lot to learn yet, so I am still doing that. But theater and Bollywood, I think theater gives you a good foundation, that's what I believe in, and that's why I decided to study it, to give my time into it. Because I thought if your foundation as an actor is strong, then then you're ready for any role. So it's definitely when you're ready for your work, when you're confident about your craft, it helps you with that. So about dono ka fun bahut alag hai, dono ka the whole atmosphere is very different. So dono mein kaam karna bahut alag hai, and there's a lot of fun in both the sides. Absolutely. Now, Anoop, what is the USP of the film and what are the reasons that people should go out and watch Ye Mard Bechara? What are your expectations now that the film is finally releasing in the theaters? बहुत अच्छी बात आपने पूछी. मेरे लिए क्या है कि कोई हम सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मुझे इस बात की खुशी है कि इस फिल्म के द्वारा हम मर्दों के इश्यूज को उठा रहे हैं, जो कि हमें सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन इसी बात का मिला कि आपका सब्जेक्ट बहुत यूनिक है और एटलीस्ट इस पे भी बात होनी चाहिए. और मुझे इवन फीमेल्स की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है, ये और खुशी की बात है कि फीमेल्स भी इस चीज पे आ रही कि नहीं बात होनी चाहिए. मेंस की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर भी है जबरदस्ती की, जैसे औरतों के ऊपर थी तो वैसे मर्दों के ऊपर है कि तुम्हें ये करना है, रोना नहीं है, ये करने से तुम मर्द होते हो, वो करने से तुम्हें सारी जिम्मेदारी उठानी है, तुम पत्नी की कमाई नहीं खा रहे हो, हर तरह से मतलब. तो वो सारी चीजों को बहुत बहुत ज्यादा हमने हार्ड कोर में बहुत
बहुत छोटे से शहर के बैकग्राउंड में हमने इसको सिंपली रखने की कोशिश की है, और एंटरटेनमेंट के साथ, मतलब जो जो पल होते हैं घरों में हंसी, उस तरह से हमने एक एंटरटेनिंग उसमें, मतलब फिल्म को, क्योंकि भारी भरकम अगर संदेश इतनी लोग समझते नहीं है, क्योंकि आम लोगों के लिए जो हमारी ये टारगेट ऑडियंस है उसको समझाने के लिए उसी की लैंग्वेज में उसी की तरह से बात करनी होगी। तो मुझे सबसे बड़ा अचीवमेंट इस फिल्म का ये लगता है कि हम एक इशू के बारे में, हमने एक इशू को उठाया इस फिल्म में, और जो आगे भी और जाएगा और इस पे और अच्छी फिल्में बनेंगी, और इंटरनेशनल मेंस डे हमारी वजह से काफी इस बार पॉपुलर हो रहा है, बहुत सारी वीडियोस आ रही है हमारे पास, तो बहुत खुशी हो रही है। Well, all the best from Team NewsX, and that's a wrap from our end. Thank you so much for joining us on the show. Thank you so much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.